नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। जी हां, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी सज रही है। अवध जाग उठा है, जगमगा उठा है, क्योंकि उसके राम वापस लौट रहे हैं, वो भी 500 साल के वनवास के बाद। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल है, हर सड़क चौराहे पर भगवान राम का चित्रण हो रहा है। ऐसे में आज न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे रामलला का वो भव्य दरबार जहां वो हमेशा हमेशा के लिए विराजमान होने वाले हैं। साथ ही कैसी है मंदिर परिसर के अंदर की तैयारियां और कितना पूरा हो चुका है भव्य राम मंदिर का काम, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। घड़ी आई है सर, नींद आती ही नहीं है। इसमें राम की ऐसी महिमा है सर जी कि नींद आने की कोई चांस ही नहीं है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सौभाग्यशाली मैं अपना आपको मानता हूँ कि भगवान रामचंद्र जी ने हमको अपने सरजमी पे काम करने का मौका दिया। आ रहे अवध के जैसे लंका विजय के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर काम अपने अंतिम चरण में है। पूरा का पूरा अयोध्या अपने राम के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर रहा है। ऐसे में कैसा है भगवान राम का भव्य मंदिर, कैसी है तैयारी, इसका जायजा लेने न्यूज 24 की टीम पहुंची राम लला के भव्य मंदिर के प्रांगण में। नमस्कार, मैं हूं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 24। दरअसल आने वाली 22 जनवरी इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है और इसकी तैयारी भी बहुत जोर शोर से चल रही है। उस दिन को भव्य बनाने के लिए तैयारियां इतनी जोर शोर से चल रही हैं कि दिन रात अयोध्या में निर्माण कार्य किया जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बल्कि तमाम सारे साधु संत, कार सेवकों के परिजन और तमाम सारी जो देश की नामचीन हस्तियां हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगी। तो अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य कहां तक पहुंचा, कितनी तेजी से वो काम किया जा रहा है, ये सब आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। मंदिर के आसपास के इलाके में श्रमिक निर्माण कार्य में जुटे हैं। काम जल्द से जल्द पूरा हो सके इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें दिन रात मंदिर निर्माण के काम में लगी हैं, ताकि काम को तय वक्त पर पूरा किया जा सके। इस वक्त मैं अयोध्या में राम जन्मभूमि के पास ही मौजूद हूं, जहां पर मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको मंदिर के आसपास का इलाका दिखाता हूं। दरअसल ये आप मेरी दाहिनी तरफ देख पा रहे होंगे कि यहां पर भी तमाम सारे श्रमिक निर्माण कार्यों में जुटे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा ये मेरी दाहिनी तरफ भी आपको एक ऑफिस नजर आ रहा होगा, जहां पर तमाम सारे लोग अपने काम को अंजाम देते हुए नजर आ रहे होंगे। ये मेरी ठीक बाई तरफ का रास्ता है, जो आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर भी जो मंदिर निर्माण का कार्य है वो यहां पर किया जा रहा है। यहां पर खुदाई का काम चल रहा है और तकरीबन हर जगह जो कारीगर है, श्रमिक है, वो अपने निर्माण कार्य को अंजाम देते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये आप मेरे ठीक बाई तरफ जो जगह देख पा रहे हैं, दरअसल ये भी मंदिर परिसर से जुड़ी हुई जगह है और वहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि मंदिर निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है।
तमाम तरह की बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल मंदिर निर्माण में किया जा रहा है। तकरीबन 100 से ज्यादा अत्याधुनिक मशीनें इस वक्त अयोध्या में राम जन्मभूमि क्षेत्र है जहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पर काम में जुटी हुई है। अभी तक आपने ये सुना होगा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो दिखता कैसा है, उसकी सुंदरता और भव्यता कैसी है, ये आप आज अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए। तस्वीरों में दिख रहा ये वही भव्य राम मंदिर है जिसके बनने का सपना हर राम भक्त शताब्दियों से देखता आया है। राम मंदिर का भूतल जमीन से काफी ऊंचा है, बड़ा फाउंडेशन तैयार किया गया है जिसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। खास बात यह है कि मंदिर भूतल से काफी ऊंचा है और इसकी मजबूती ऐसी है कि 1000 सालों तक ना तो इसके ढांचे को नुकसान पहुंचेगा ना ही इसके अंदरूनी दीवारों पर कोई खरोंच आएगी। अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर तैयारियां बहुत जोर शोर से देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो जमीनी स्तर है उससे मंदिर की ऊंचाई कितनी ज्यादा है इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि जो मंदिर का जो भूतल है उसकी ऊंचाई जो जमीन है उससे तकरीबन कितनी ऊंची है ये आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ जा रहा होगा। और यही एक बड़ा फाउंडेशन है जो मंदिर निर्माण के लिए शुरुआती दौर में बनाया गया था और इसको लेकर काफी नीचे तक गहराई जो मिट्टी है उसकी सॉइल टेस्टिंग की गई थी, तमाम सारे तकनीकी विशेषज्ञों को लगाया गया था और उसके बाद जब नीचे का जो फाउंडेशन है पूरी तरह से तैयार किया गया उसके बाद उसके ऊपर मंदिर निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया गया। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण प्रगति पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे। तो ये फिलहाल अयोध्या में जो मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें हैं और निर्माण कार्य की वो आपको दिखाती हुई नजर आ रही होंगी। मंदिर निर्माण में जिन शिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है उन पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। एक एक शिलाओं को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर निर्माण में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर अभी भी काम लगातार जारी है। ये मेरे ठीक पीछे आप तमाम सारी शिलाओं को देख पा रहे होंगे, दरअसल इन्हीं शिलाओं का इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह भी है कि कहीं पर भी शिलाओं के बीच में जोड़ दिखाई न दे इसलिए शिलाओं को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि उसके खाने भी आपको साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे होंगे। तकरीबन जितनी भी शिलाएं आपको यहां पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होंगी उसमें बेहतरीन और जबरदस्त नक्काशी की गई है जो अपने आप ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। तो ये जबरदस्त नक्काशी फिलहाल आपको यहां पर देखने को मिलेगी और यही वो शिलाएं हैं जिनके आधार पर जिनका इस्तेमाल करते हुए मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो फिलहाल कुछ शिलाओं का इस्तेमाल मंदिर के अभी तक के निर्माण में किया गया है और बाकी जो शिलाएं जिनका इस्तेमाल होना है वो आपको यहां पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहेंगी। मंदिर निर्माण का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके इसके लिए श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। बड़ी संख्या में श्रमिक दिन रात काम कर रहे हैं। श्रमिकों ने बताया कि भगवान के गर्भगृह का काम आखिरी दौर में है। वहीं जो श्रमिक वहां काम कर रहे हैं उन्हें इस बात की खुशी भी है और वो खुद को सौभाग्यशाली भी मानते हैं कि उन्हें भगवान राम के मंदिर निर्माण में अपने योगदान देने का सौभाग्य मिला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में लगातार श्रमिकों की संख्या में इजाफा किया गया है। पहले श्रमिकों की संख्या कुछ कम थी लेकिन चूंकि दिसंबर 2023 तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के तक का निर्माण कार्य पूरा किया जाना है इसलिए श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है। अब आप ये मेरे ठीक दाहिनी तरफ देख पाइए कि कितनी बड़ी संख्या में श्रमिक लगातार यहाँ पर मंदिर निर्माण के कार्य में जुटे हुए हैं और बताया ये भी जा रहा है कि ये तमाम सारे श्रमिक दिन और रात लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसके बाद मंदिर निर्माण की जो प्रगति है उसको पूरा करने की कोशिश भी फिलहाल इनकी तरफ से की जा रही है। अभी तक क्या क्या हो गया मंदिर में? मंदिर में सर अभी बहुत काम हो गया, थोड़ा बहुत बाकी है, बस पीछे का वो काम हो जाएगा जल्दी जल्दी। सर यहाँ 2 साल हो गए हम लोगों को काम करते हुए, यहाँ आए इतना ज़्यादा खुशी मिली कि भगवान श्री राम जी ने हम लोगों को आगमन किए और बुलाए, उनके बुलाए से हम लोग अंदर आए, उनकी सेवा में 2 साल हो गए लगे हुए हैं और यहाँ आने के बाद लगता है कि हमें जितनी दुख दर्द है सब खत्म हो गई हम लोगों के। बताओ ये मंदिर निर्माण में आप लोग काम कर रहे हो, कुछ मन में विचार आता है? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग की बड़ी सौभाग्य की बात है जो कि हम लोग राम मंदिर के अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग के पूर्वजों का बहुत यहाँ पे आना जाना रहता था, मेरे दादाजी बोलते हैं कि तुम्हारी बड़ी सौभाग्य की बात है जो तुम इसमें काम कर रहे हो। हम लोग यहाँ कार सेवक भी आते से रहते थे, हम लोग इससे बहुत पुराने ही जुड़े हुए हैं। हम लोगों के घर वाले पहले भी बहुत सेवा किए यहाँ के आके, अब हम लोग आके।
अयोध्या में राम मंदिर कितना बनकर तैयार हुआ है ये मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि दरअसल यही वो दिव्य और भव्य राम मंदिर है जिसके निर्माण कार्य में दिन और रात काम यहाँ पर किया जा रहा है। दरअसल जो मंदिर ट्रस्ट है उसकी तरफ से जानकारी दी गई है कि जो भूतल है उसके अलावा जो प्रथम तल है उसका कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है और सेकेंड फ्लोर पर काम अभी प्रस्तावित है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 22 तारीख को जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को भव्य रूप देने की कोशिश की जा रही है उस लिहाज से लगातार यहां पर काम को बहुत तेजी से किया जा रहा है। और आप देखिए कि जितना भी ये पूरा परिसर है मंदिर का उसके आसपास आपको लगभग सब जगह श्रमिक काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। बड़ी बड़ी मशीनें आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई पड़ रही होंगी जिनके माध्यम से मंदिर के निर्माण को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी तस्वीर अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है जहां पर रामलला को विराजमान होना है उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है उसकी एक बड़ी तस्वीर फिलहाल अयोध्या में देखने को मिल रही है। 22 जनवरी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है काम में भी तेजी देखने को मिल रही है। हमारी मुलाकात राम मंदिर परिसर के कॉन्ट्रैक्टर राजीव दुबे से हुई। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण का काम लगभग 98% तक पूरा हो चुका है, साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह के सामने का पैसेज का काम पूरा हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मंदिर निर्माण के कंस्ट्रक्शन मैनेजर राजीव दुबे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। राजीव जी, आप कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, कितना निर्माण कार्य फिलहाल यहाँ पर हो गया? मुझे लगता है कि जितना ये 22 जनवरी को जो उद्घाटन होना है उसमें एक बहुत बड़ा प्रतिशत हो ही गया, 98% अगर का है, 2% जो बचा है वो केवल हाउसकीपिंग बची है। तो वो नीचे का जो हमें जब गर्भगृह में जाना है भगवान को जहाँ बैठना है उस स्थान में पूरा लगभग हो ही गया, 98% हो गया। 2% मैं कहूँगा तो उसको केवल हाउसकीपिंग के रूप में कहूँगा कि सफाई बाकी और वो बहुत ही कम समय में हो जाएगी। मंदिर निर्माण में पिंक सैंड स्टोन और सफेद मकराना इस्तेमाल हुआ। सीढ़ियों और गुंबदों पर भी अद्भुत नक्काशी की गई है। बताया जा रहा है कि मंदिर का निर्माण इस तरीके से किया जा रहा है जैसा आज तक पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिला। अयोध्या में निर्मित किए जा रहे राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अयोध्या में तमाम सारा जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो पिंक सैंडस्टोन या मकराना मार्बल का ही इस्तेमाल किया गया है। मैं अपने कैमरा सहयोगी सचिन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि मंदिर निर्माण में किस तरह से पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मेरे ठीक सामने आपको मंदिर की तरफ जाती हुई सीढ़ियां नजर आ रही होंगी जो सीधे आपको मंदिर के भीतर ले जाएंगी और उसमें भी आप देखिए कि यहां पर पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया है, व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। तो निर्माण कार्य को कितनी जल्दी से पूरा किया जाए और जो ये पहला चरण रखा गया है जब 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है तो उसकी तैयारियां फिलहाल जोर शोर से की जा रही है। और आप देखिए कि तमाम सारे जो गुंबद बनाए गए हैं मंदिर के आसपास उस पे भी देखिए आपको अद्भुत कलाकृति और नक्काशी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होगी। हर फ्लोर पर आपको कारीगर यहां पर काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो कोशिश यही की जा रही है कि आने वाली जो 22 जनवरी है उसको पूरी तरह से ऐतिहासिक बनाया जाए और उसी लिहाज से फिलहाल अयोध्या में कामकाज भी बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। मंदिर निर्माण और 22 जनवरी को हो रहे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने राम भक्तों से अपील की है कि वो अपने घरों के आसपास के मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करें, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को धूमधाम से मनाएं। अभी जो रामलला जहां विराजमान होने वाले हैं उनका गर्भगृह लगभग तैयार है, 22 तारीख तक जो है ना पूरा फिनिश हो जाएगा। आप देखें कि उस अद्भुत और अनुपम क्षण को देखने के लिए संपूर्ण सृष्टि के मैं कहता हूँ ब्रह्मांड के सभी चर चराचर नर नारी सब आला देते हैं और मैं सबको आपके माध्यम से कहूँगा आपके सुधी दर्शक भी घर में न बैठें, 22 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक अपने घर के बगल वाली मंदिर को ही अयोध्या समझें और वहाँ पर जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो करें और वहाँ पर एक बड़ी सी LED स्क्रीन लगा करके सभी राम भक्तों को ये जो अनुपम क्षण है उसके भी दर्शन कराएं। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल है। बताया जा रहा है कि गर्भगृह के पास परकोटा का निर्माण हुआ है और उसके एक कोने पर शंकर गणेश भगवती सूर्य का मंदिर होगा, यानी इसे पंचायत कहा जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम होंगे, बुजुर्गों के लिए लिफ्ट और मंदिर परिसर में 7 नए मंदिर का निर्माण भी होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है लेकिन मंदिर निर्माण को लेकर तमाम सारी तकनीकी चीजों का भी खास ख्याल रखा गया है।
जिस भूतल पर रामलला विराजमान होने वाले हैं, जहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, दरअसल वहां पर एक परकोटे का निर्माण भी किया गया है। ये मेरे ठीक पीछे आप जो मंदिर देख पा रहे हैं, इसका जो भूतल है, वहां पर एक जो परकोटा है उसका निर्माण किया गया है, और उस परकोटे में उसको दरअसल पंचायतन नाम दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि परकोटे के एक कोने पर सूर्य मंदिर होगा, दूसरे कोने पर शंकर जी का मंदिर होगा, तीसरे कोने पर माँ भगवती का मंदिर होगा, और चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर होगा, और इसे पंचायतन कहा जाएगा। देश के कोने कोने से हजारों संत और श्रद्धालु उस अद्भुत पल के साक्षी बनने के लिए अयोध्या में आमंत्रित हैं। ऐसे में अयोध्या में ठहरने की व्यवस्था को लेकर 3 टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। तीर्थ ट्रस्ट की इस टेंट सिटी में 6 नगर बसाए गए हैं। टेंट में ठहरने वाले लोगों को निःशुल्क ये सुविधा दी जाएगी। साथ ही सिर्फ रहने की ही नहीं, बल्कि जो लोग यहाँ ठहरेंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। देखिए, ये पूरा जो इलाका है ये तीर्थ ट्रस्ट ने लिया है, और इसमें लगभग 6 नगर जो हैं वो बसाए जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर संतों के, आम लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। आप देखिए, पूरा जो ये एल्यूमिनियम की आप वॉल देख रहे हैं वो बनाई गई है, चूँकि ठंड से भी बचाना है, ये भी एक बड़ी चुनौती है, और इसकी वजह से यहाँ पे ये एल्यूमिनियम की वॉल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे देखिए आप, इस तरह से एक कमरे में, छोटे से कमरे में 3 जो बेड्स हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। चूँकि संत यहाँ पर ठहरेंगे, बड़ी संख्या में देश विदेश से संत आएंगे, लगभग 8,000 तो वो लोग होंगे जो रामलला के मंदिर में दर्शन के लिए, जिनको VIP पास दिए गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में संतों को न्योता दिया गया है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और उनके, संतों के सम्मान के हिसाब से ही जो रंग है वो भी रखा गया है। इस वक्त गजेंद्र जी हमारे साथ हैं, जो प्रदेश संगठन मंत्री, पूर्वी उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू परिषद के हैं, और पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के ठहरने की, संतों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? ये जो पूरी भूमि है 45 एकड़ में, हमने ये 6 नगर यहाँ बसाए हैं। 6 नगरों में अलग अलग स्थान पर, तो प्रारंभ में जो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें संतों की रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर 4,000 संत रहेंगे, उनके सब भोजन और ये सब की व्यवस्था है। तो ये सामने आप देख रही हैं, ये हमारे इस प्रकार के 6 भोजनालय, अच्छा। इस पूरे 45 एकड़ में 6 नगर में 6 भोजनालय बने हैं। सभी के जहन में ये सवाल है कि 70 एकड़ में फैले इस मंदिर परिसर में क्या क्या होगा? क्या सिर्फ मंदिर का निर्माण ही किया जा रहा है, या फिर और भी चीजें इस परिसर के अंदर होंगी? तो इसका जवाब दिया मंदिर निर्माण के डिजाइन मैनेजर गिरीश जी ने। बेसिकली ये 70.5 की एकड़ की जमीन केवल मंदिर नहीं है, तो इसके अलावा यहाँ पर बैगेज स्कैनिंग है, उसके बाद में लोगों का फ्रिस्किंग है, पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर है, फायर फाइटिंग के लिए फायर स्टेशन है, ये जो आप बोल रहे हो ये फायर स्टेशन है, इसके बाद में यात्रियों के लिए टॉयलेट्स होंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, क्योंकि सीवेज इतना सारा जनरेट होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा, उसके बाद में पावर सबस्टेशंस होंगे, 2 मेन रिसीविंग स्टेशन होगा। तो इस प्रकार के अलग अलग स्ट्रक्चर्स है मंदिर के अलावा, वही आपको दिख रहे हैं। तस्वीर में जो द्वार आप देख रहे हैं, यही भव्य राम मंदिर का मुख्य द्वार है। इसी द्वार से होकर श्रद्धालु गर्भगृह तक जाएंगे। वहीं वहां काम कर रहे लोगों ने बताया कि मंदिर आने वाले लोगों को बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं होगी, सब यहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको मंदिर के निर्माण की एक नई तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल ये मेरे ठीक पीछे, ये जो आप निर्माण कार्य देख रहे हैं, तमाम सारे उसमें द्वार आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे होंगे, दरअसल ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जहां से कोई भी श्रद्धालु जब रामलला का दर्शन करने के लिए आएगा तो पहले उसको इसी गेट से अंदर आना होगा, और उसके बाद ये जो राम मंदिर का जो स्थल है, यहां पर वो दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेगा और बाकी गर्भगृह की तरफ जाएगा, जहां पर रामलला विराजमान होंगे और वहां पर उनका दर्शन भी किया जाएगा। यहीं से एंट्री होगा, और 2000 जो 22 को उद्घाटन होगा भगवान का, इसके बाद में भगवान यहाँ विराजमान होने के बाद में मुख्य द्वार यही खोला जाएगा। हर चीज की सुविधा दे रहे हैं, हर चीज हो रहा है यहाँ, ये रहने की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, शास्त्रागार की व्यवस्था, फूल की खेती की व्यवस्था, यानी भगवान राम के लिए कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं उपस्थित रहेगा सर जी, सब मिलेगा हर आदमी को। पैदा नहीं हुए थे सर जी, तब से इनका बनना चालू है, अब बनेगा तब बनेगा,
वो सुबह घड़ी आई है सर, नींद आती ही नहीं है। इसमें राम की ऐसी महिमा है सर जी कि नींद आने की कोई चांस ही नहीं है। रातों रात काम चलता है सर जी, ना थकान आती है ना मजदूरों को, हम तो लोग सुपरवाइजर हैं। इस वक्त पूरा अयोध्या श्री राम की धुन में मग्न है, सभी को इंतजार है तो उस शुभ घड़ी का जब भगवान राम गर्भगृह में विराजमान होंगे। अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर निर्माण के दौरान तमाम सारी ऐसी चीजों का भी इंतजाम किया जा रहा है कि अगर मंदिर दर्शन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए तो उनको कैसे व्यवस्थित करना है। दरअसल जो मंदिर निर्मित किया जा रहा है उसमें जो ट्रस्ट की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें ये बताया गया है कि जो परकोटा है उसके निर्माण में अभी 6 माह का समय और लगेगा और मंदिर में जो बुजुर्ग और दिव्यांग लोग होंगे उनके लिए लिफ्ट की अलग से व्यवस्था की जाएगी। दावा यह भी किया जा रहा है कि साल 2024 के अंत तक यहां पर 7 और नए मंदिर बनाए जाएंगे, जिसमें महर्षि वाल्मीकि का एक मंदिर होगा, महर्षि वशिष्ठ का एक मंदिर होगा, महर्षि विश्वामित्र का एक मंदिर होगा, महर्षि अगस्त का मंदिर होगा, केवट का मंदिर होगा, निषादराज का मंदिर होगा और शबरी का मंदिर होगा। अब मंदिर निर्माण के दौरान विशेष तौर पर ध्यान रखी जा रही है कि जब ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और अगर यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उनके सामान रखने के लिए, दिव्यांग और जो बुजुर्ग होंगे उनको मंदिर तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का इंतजाम, ऐसी तमाम सारी चीजें जिनकी आवश्यकता आम लोगों को पड़ती है वो फिलहाल इस राम जन्मभूमि जो स्थल है वहां पर तैयार की जाएंगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या न्यूज 24।